हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स, हम लोगों ने लॉकडाउन पीरियड में एक जर्नी की शुरुआत की थी और पहले वीडियो में आपके साथ मैंने एक वादा किया था कि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे जिसमें लॉकडाउन के बाद आने वाले क्राइसिस में आप अपने जॉब को कैसे सुरक्षित रखेंगे और आने वाले टाइम में आप ग्रोथ भी कैसे पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि क्राइसिस के बाद, अभी लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन हो रहा है, उसके बाद भी कैश फ्लो की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब जा रही है। जैसा कि एक अनुमान लगाया गया था कि हमारा जीडीपी माइनस में जाएगा, बट कल की रिपोर्ट में अभी जीडीपी -23.4% नीचे गई है। तो आने वाले टाइम पे और टफ होने वाला है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में कैश फ्लो की वजह से, सप्लाई वर्सेस डिमांड की वजह से बहुत सारी जॉब्स और जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उस वादे के अनुसार हमने अपना सेकेंड वीडियो जो सेल्स ट्रेनिंग पे बेस्ड था उसको लेके आए थे, जिसमें हमने बात की थी कि FMCG सेक्टर क्या है, उसके कैटेगरी कौन कौन से हैं, उसमें टॉप कंपनीज़ कौन सी हैं, उनके प्रोडक्ट क्या हैं, उनका रेवेन्यू क्या है। उसको जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक अच्छा सेल्समैन बनने का तरीका क्या है, एक अच्छा सेल्समैन क्या क्या स्टेप यूज करता है अपने वर्किंग डे में। उस सारे टॉपिक को लेकर के एक क्वालिटी सेल्समैन के जो स्टेप होते हैं उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करते हैं, अगर उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो एक अच्छा सेल्समैन आप भी बन सकते हैं और आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में टॉप पे रहते हुए ग्रोथ को पा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, प्री कॉल प्रिपरेशन। हमें कॉल्स पे जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है, उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है कि हमें एक दिन पहले यानी प्रीवियस नाइट में क्या क्या प्रिपरेशन करनी होती है। तो प्रीवियस नाइट में हमें जो प्रिपरेशन करनी होती है वो हम अपने बैग को चेक करते हैं कि प्रॉपर उसमें सैंपल है कि नहीं है, कैटलॉग है कि नहीं है, जो है अपने कपड़े, आपके शूज़, आपके बीट प्लान, ये सारे प्लानिंग हमें एक दिन पहले ही कर लेने होते हैं प्रीवियस नाइट में। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट डे का कॉल होता है हमें कंफर्म होता है कि हमें कहाँ जाना है, हम वेल ड्रेसअप्ड होते हैं, तो हम एक अच्छा प्रिपरेशन के साथ प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट डे का। और उसके साथ में, क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत ही यूजफुल है, तो मोबाइल चार्ज करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम सेकंड हमारा जो प्री कॉल प्रिपरेशन का पार्ट है वो है मॉर्निंग प्रिपरेशन, कि मॉर्निंग में हमारी क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो मॉर्निंग प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, और अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद फिर आपको स्पेशली जो है एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं तो आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, आपका मेंटल लेवल अच्छा होगा, और जब आपका मेंटल लेवल अच्छा होता है तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। उसके बाद आपको किस बीट पे जाना है, उस बीट के आउटलेट कौन कौन से हैं, मतलब की आउटलेट, और की आउटलेट में क्या आपने पहले प्लेस किया था, और अभी क्या आप न्यू प्रोडक्ट प्लेस करने का प्लान कर सकते हैं उस आउटलेट के लिए। और अगर कोई न्यू आउटलेट आपका जो कि काफ़ी विजिट के बाद भी ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप अपने सीनियर्स को कॉल करके, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मॉर्निंग में एक कॉल ज़रूर अपने सीनियर्स को करें, उससे आपको एक अलग सी पॉजिटिविटी फील होगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में इस प्रिपरेशन के साथ अगर आप जाते हैं, आपको आपका बीट पता है, आपको आपका की आउटलेट पता है,
और आपको साथ में पता है कि किस आउटलेट में हम कितना प्लेसमेंट करने वाले हैं, तो आपका दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जैसा फर्स्ट पॉइंट पे हमने बताया, प्री कॉल प्रिपरेशन, कॉल से पहले क्या क्या प्रिपरेशन हमारी होनी चाहिए, तो प्रीवियस नाइट में क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और मॉर्निंग में क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि जब आप आउटलेट पे इंटर करते हो, तो आउटलेट पे इंटर करते टाइम आपका क्या जो है किसी आउटलेट के ओनर को क्या आपकी ग्रीटिंग होनी चाहिए और आपका रेपो कैसा होना चाहिए। तो जो सेकेंड पॉइंट है ग्रीटिंग एंड रेपो बिल्डिंग, अब फ्रेंड्स मैं बात करना चाहूँगा इसमें से टू टाइप्स के आउटलेट होते हैं। एक ऐसा आउटलेट होता है जो ऑलरेडी प्रोडक्टिव होता है और एक ऐसा आउटलेट होता है जो अभी तक विजिट है बट वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो दोनों के लिए हमारा ग्रीटिंग और रेपो बिल्डिंग डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि आपके पास दो टाइप के आउटलेट होते हैं, एक होता है प्रोडक्टिव आउटलेट जहाँ से ऑलरेडी आपका स्टॉक प्लेस्ड है और एक होता है न्यू आउटलेट जहाँ पे आपको अभी अपना प्लेसमेंट करना है। तो अगर आप प्रोडक्टिव आउटलेट पे जा रहे हैं तो आपकी कॉल डिफरेंट होनी चाहिए, अगर आप न्यू आउटलेट पे जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट सैंपल है कंपनी के बारे में आपको बताना है, आपके अपने प्रोडक्ट बताने हैं और प्रोडक्ट को फीचर वर्सेस बेनिफिट के अकॉर्डिंग बताना है कि हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, इसका मार्जिन क्या है, इस पे स्कीम क्या है और कंपटीटर से डिफरेंट कैसे है। और साथ में हमें जो आपका प्रोडक्टिव आउटलेट है उसका रेफरेंस भी देना चाहिए न्यू आउटलेट के जो भी काउंटर पर्सन है। तो हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिटेलर की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी हमें होनी चाहिए। अगर जैसा मैंने बताया कि आपका फर्स्ट काउंटर होता है प्रोडक्टिव काउंटर और प्रोडक्टिव काउंटर में जब आप जाते हो तो रिटेलर के कुछ कंप्लेंट्स हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसको आपको पॉजिटिवली हैंडल करना है और उसमें हमें किसी तरह की झूठ नहीं बोलनी है। जो एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम का सलूशन है वो हमें रिटेलर को देना होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई रिटेलर बोलता है कि आपने ये स्कीम बोला था बट आपने या आपका डिस्ट्रीब्यूटर उसको प्रोवाइड नहीं किया, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी फेक स्कीम या फेक कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्कीम कमिट किया है तो आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस करके आपको उसको टाइमली डिलीवर करना चाहिए। या अगर आपने कोई गिफ्ट बोला है, बहुत सारे गिफ्ट्स आते रहते हैं, अगर आपने वो बोला है तो उसको टाइमली या आप अपने साथ ला करके उसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लस जो उनकी और प्रॉब्लम्स होती हैं कि बहुत सारे स्टॉक टाइमली नहीं, रनिंग स्टॉक नहीं होते हैं, नहीं बिक रहे होते हैं, तो उनके लिए आपका क्या प्लान है। एग्जाम्पल कि अगर आपके 10 प्रोडक्ट हैं उसमें से 2 प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं तो उनके लिए क्या प्लान है। उसके लिए आप कर सकते हो कि आप शाम को जब आपकी कॉल्स कंप्लीट हो जाएं तो आप आकर के वहाँ सैम्पलिंग कर सकते हो कंज्यूमर को डायरेक्टली। तो आप ऐसा रिटेलर को बोल करके कि आप शाम को आकर के इन 2 प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करेंगे तो वो आपसे ज़्यादा कन्विंस रहेगा और आपको बेटर ऑर्डर मिलने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाती है। साथ में अगर कोई उनके यहाँ नियर एक्सपायरी है तो उसके लिए अगर कोई ऑफ़र है तो आप अपने सीनियर से डिस्कस करके वहाँ पे ऑफ़र भी चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ स्टेप की, जहाँ पे आप जो है अगर प्रोडक्टिव आउटलेट है तो आपको अपना फिजिकल, सबसे पहले आपको अपना फिजिकल स्टॉक चेक करना है। आप का स्टॉक फिजिकल स्टॉक चेक करना है, उसका सिंपल सा प्रोसेस है कि आप अभी अपने ऐप से चेक कर सकते हैं कि आपने प्रीवियस जब आपकी विजिट थी तो आपने क्या क्या प्रोडक्ट जो है प्लेस किया था उस आउटलेट पे, और चेक करने के बाद
आप उसमें देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट का ऑफटेक हो चुका है। तो उससे आप सिंपली एक जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि हमें क्या ऑर्डर यहाँ से लेना चाहिए, और वो बहुत इजीली आप कन्विंस कर सकते हैं रिटेलर को कि हमें ये ऑर्डर बन रहा है आपका, और इस तरीके से जो है, और साथ में आपका अगर स्टॉक प्रॉपर सिस्टम से नहीं प्लेसमेंट है, या उसको काउंटर या जहाँ पे भी उसका प्लेसमेंट है वहाँ पे नहीं है, तो आप उसको सही तरीके से वहाँ पे प्लेस भी कर सकते हैं। फिजिकल स्टॉक के बाद हमें क्या करना होता है, मर्चेंडाइजिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल्स का मर्चेंडाइजिंग, और बहुत कम लोग इसको एज ए सेल्स पार्ट देखते हैं, क्योंकि जितना अच्छा मर्चेंडाइजिंग होगा उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट का ऑफटेक होगा, और जितना अच्छा ऑफटेक होगा उतना इजी होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने के लिए रिटेलर से। तो फ्रेंड्स, मर्चेंडाइजिंग में अगर हम किसी आउटलेट में जा रहे हैं, तो जब हम फिजिकल स्टॉक चेक कर रहे हैं तो उस समय हम लोग प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट को क्लीन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रॉपर रैक में लगा सकते हैं, और उसके बाद जो है अगर हमारे पास कोई पीओपी मटेरियल है या कोई डैंगलर है या कोई भी पीओपी मटेरियल हमको अगर वहाँ पे स्टिक करना है या हैंग करना है, तो हम अपना प्रॉपर उसको हैंग कर दें। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि आप किसी आउटलेट में मैक्सिमम 10-15 मिनट ही रहते हैं, बट आपका पीओपी मटेरियल आपके लिए 24 आवर उस आउटलेट पे वर्क करता है, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को शो करता है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड, सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मर्चेंडाइजिंग, और मैं इसमें कहना चाहूँगा बहुत से सारे सेल्समैन होते हैं जो डिलीवरी बॉय के साथ मर्चेंडाइजिंग मटेरियल भेज देते हैं, पीओपी मटेरियल भेज देते हैं, प्रोडक्ट खुद नहीं साफ करते हैं, खुद प्रॉपर सेल में नहीं लगाते हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि वो प्रॉपर स्टॉक को चेक करें फिजिकली, उस स्टॉक को प्रॉपर वो क्लीन करें, और प्रॉपर जो उनका सेल्फ है वहाँ पे लगाएं, और आपके जो भी पीओपी मटेरियल हैं उनको हैंग करें, उनको प्लेस करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं सिस्टम से, तो आप नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर टेकिंग। ऑर्डर टेकिंग के लिए हमें क्या करना होता है कि ऑलरेडी सबसे पहले तो हम ऐप पे चेक करते हैं कि हमारा प्रीवियस जो वीक का विजिट था उसमें हमने क्या प्रोडक्ट प्लेसमेंट किया था। एसक्यू वाइज हम उसका डेटा निकाल लेते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप मॉर्निंग में ही ये डेटा आपने निकाल लिया होगा, और फिर आप माइनस कर देते हैं जो करेंट स्टॉक है उससे हमें क्या ऑर्डर लेना है उस आउटलेट से, वो हमारा निकल आता है, और हम रिटेलर को इजीली बता पाते हैं कि सेठ जी ये स्टॉक आपके पास नहीं है और आप इस स्टॉक का हमें ऑर्डर दे दीजिए। और साथ में ऑर्डर टेकिंग के टाइम हम रिटेलर को अपने नए स्कीम, अगर कोई स्कीम है जो कि ट्रेड स्कीम है कोई, वो हम उनको पिच कर सकते हैं। अगर हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वो हम उनको पिच कर सकते हैं। साथ में हम रिटेलर को अगर कोई हमारा टारगेट एसक्यू है, जैसे सीनियर्स का होता है वीकली टारगेट एसक्यू, तो उसके बारे में और उसके स्कीम के बारे में हम उनके साथ डिस्कस करके हम कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और है कि हमें स्टॉक, जब फिजिकल स्टॉक चेक करते हैं तो हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि हमें वहाँ पे फीफो प्रॉपर मेंटेन करना है। फीफो मतलब जो स्टॉक फर्स्ट एक्सपायरी है उसको हमें आगे रखना है, और जो बाद में एक्सपायर होने वाला स्टॉक है उसे हमको पीछे रखना है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम फीफो को मेंटेन करते हुए किसी भी आउटलेट पे अपने एक्सपायरी स्टॉक को मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डर टाइम पे ही आपको पता है कि रिटेलर सारे ऑब्जेक्शन आपके सामने रख देता है कि आपका ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आपका एक्सपायरी पड़ा हुआ है, आपकी सर्विस प्रॉपर नहीं है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है
वो प्रॉपर विजिट नहीं करता है। तो ये सारे क्वेश्चन का जो जवाब आपका होता है वो आपको एक सलूशन के साथ देना है, जो कि बोलते हैं कि सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। कोई भी हाइपोथेटिकल आंसर नहीं करना है हमें। हर ऑब्जेक्शन का अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्शन होते हैं, ठीक है। कभी ऑफटेक का ऑब्जेक्शन है, कभी मार्जिन का ऑब्जेक्शन है, कभी आपको रिटेलर का जो होता है कि स्कीम नहीं मिलती है, तो ये सारे पॉइंट पे, और कभी टाइमली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है, तो ये सारे ऑब्जेक्शंस रहेंगे फ्रेंड। तो आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, आपको अपने सीनियर्स के साथ ये ऑब्जेक्शंस डिस्कस करने हैं और वो रिटेलर के साथ प्रॉपर डिस्कस करना है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि आप क्लोज कैसे करते हो, किसी कॉल को क्लोज कैसे करते हो। तो सबसे जो क्लोजिंग का बेस्ट पार्ट है कि आपने जो प्रॉपर स्टॉक लिया है, ऑर्डर लिया है जो आपने प्रॉपर, उसको रिटेलर को शो करना होता है और उसको बताना होता है रीड करके कि ये ऑर्डर इतने इतने बॉक्स या इतने इतने पीस का ऑर्डर आपने दिया है, इसका टोटल वैल्यू इतना होता है। और साथ में आपको बताना होता है कि आपकी डिलीवरी उनकी कब आने वाली है और आपकी नेक्स्ट विजिट क्या है। और जो लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट, जब आप रिटेल से बाहर जाते हैं तो आपको उनको थैंक्स बोलना होता है कि आज का उनके साथ जो आज की मीटिंग थी वो बहुत अच्छी रही और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। तो प्रॉपर एक थैंक्स के साथ आपको उस आउटलेट को छोड़ना होता है। फ्रेंड्स अगर यही हमारा न्यू आउटलेट है तो वहाँ पे जैसा बताया हमने कि न्यू आउटलेट का ऑर्डर और उनका सेम सारे प्रोसेस हमको वहाँ पे फॉलो करने हैं। बीट को जितने भी आउटलेट का हमारा शेड्यूल्ड कॉल है हम उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि पोस्ट कॉल मीटिंग, मींस जब आपकी कॉल, आज का कॉल कंप्लीट हो गया है तो पोस्ट कॉल मीटिंग जो हमारा है वो डीबी पॉइंट हमें विजिट करना है। डीबी पॉइंट पे जाने के बाद हमें वहाँ पे क्या क्या करना होगा, सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर से हमें कंफर्म करना है कि उसका लास्ट डे डिलीवरी का स्टेटस क्या है, कोई कैंसलेशन तो नहीं है या अदर कोई इशूज तो नहीं है, स्कीम प्रॉपर उसने रन किया है कि नहीं किया है। तो डीबी पॉइंट पे फर्स्ट आपका जो प्रीवियस डे डिलीवरी शेड्यूल है उसको डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट आज के ऑर्डर को हम डीबी पे प्लेस करते हैं, और अगर उनको नीड है, उनके डिलीवरी बॉय को नीड है कि अगर कोई न्यू आउटलेट जैसे हम ओपन करते हैं तो उसका रूट क्या है, वो कहाँ पे है, उसको प्रॉपर एड्रेस हम उसके साथ कन्वे करते हैं। उसके बाद हम अगेन जो है डीबी पॉइंट का फिजिकल स्टॉक चेक करते हैं, फिजिकल स्टॉक प्रॉपर एसक्यू वाइज, और हम ये भी देखते हैं क्या डीबी पॉइंट पे भी फीफो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कोई इशू है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डिस्कस करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करते हैं। और अगर स्टॉक चेक के बाद कोई ऑर्डर बन रहा है तो हम अपने सीनियर्स को उसके लिए प्राइमरी ऑर्डर प्लेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्कशन के बाद। तो फ्रेंड्स ये 10 स्टेप्स थे जिनको हमें फॉलो करना है। एक अच्छे सेल्समैन जो होता है वो ये 10 स्टेप फॉलो करता है प्रॉपर, और उसके थ्रू जो है वो अपनी कंपनी में मार्केट में टॉप पे रहते हुए ग्रोथ भी पा सकता है इस रिसेशन पीरियड में। फ्रेंड्स आने वाले टाइम पे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम हर एक पॉइंट को काफ़ी डीपली सीखेंगे और कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लाइक कि पॉइंट है प्री कॉल प्रिपरेशन, तो इसको भी डीपली जानेंगे।
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डीपली जानेंगे, स्टॉक चेक कैसे करें डीपली, तो हर एक पॉइंट को हम हर एक वीडियो के माध्यम से आपको डीपली बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन।